नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गार्डनिंग का शौक पूरा करना चाहते हैं पर उनके पास जो है स्पेस की और जगह की काफ़ी कमी होती है और कई लोगों के पास जो है स्पेस होती ही नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास जगह नहीं भी हो फिर भी आप बहुत ही बढ़िया जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये जो सारे प्लांट्स मैंने ग्रो किए हैं सारे वेस्ट मटेरियल में लगाए, सभी जो प्लांट्स हैं मैंने खुद ही कटिंग से ग्रो किए हैं और घर की बनी हुई खाद जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट में ही इन्हें जो है मैंने लगाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि बिना जगह के भी हम कितनी बढ़िया जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दीवार पे खिला जो है ठुकवा के इस तरह से ये जो फ्रिज की बॉटल होती है उससे जो है मैंने डबल लेयर का जो है ये हैंगिंग प्लांटर बना लिया था। ये देखिए इस तरह से मैंने केन जो प्लास्टिक की रस्सी उससे मैंने बनवाया। और देखिए ये जो है ये कैलेंडर है, ये कपड़ों का जो कैलेंडर होता है उससे जो है मैंने घर पर ही इस तरह से सिल के मैंने ये पॉकेट प्लांटर बना लिया था। उसमें देखिए छोटे छोटे बॉटल में इस तरह से मैंने प्लांट्स लगा दिए थे, इसका भी जो है वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। और देखिए इस तरह से जो है मैंने इन्हें हैंग कर दिया और इसे जो है बिल्कुल भी स्पेस की ज़रूरत नहीं। देखिए इसे मैंने ऊपर ऊपर ही हैंग किया है दीवार पर, आप देख सकते हो कितने बढ़िया जो है ये प्लांट्स चल रहे हैं, काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो टायर प्लांटर, इसमें जो है दो बॉटल्स मैंने ऊपर की तरफ ऐसे बांध दी थी, नीचे में जो है वॉन्डरिंग जो को लगा दिया था आप देख सकते हो। और नीचे में जो है ये प्लाई जो बचा था उसके ऊपर मैंने इसे ठुकवा के और ऊपर में जो है मग प्लांटर में मैंने ये सेंसिवेरिया और इधर आप देख सकते हो रियो का प्लांट, इसे इस बॉटल को जो है मैंने खीले से ही हैंग किया है। और ये देखिए नीचे में जो आप देख रहे हैं कोकोडेमा, ये बिना पॉट के जो है आप अगर पॉट अगर आपके पास में नहीं भी हो तो भी आप देखिए कितनी बढ़िया जो है गार्डनिंग कर सकते हो। इस तरह से आप हैंगिंग गार्डन स्ट्रिंग गार्डन भी आप ये कोकोडेमा का बना सकते हो, कितना सुंदर लगता है, इसमें भी जगह की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स ये है विंडो के इस साइड में मैंने तीन लेयर का जो है ये प्लांटर बनाया है, प्लास्टिक की बॉटल ही है सारी और इसमें जो है मैंने बेबी टियर और रिबन ग्रास इनको जो है मैंने लगा दिया है। ये काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है, मैंने जो है इन्हें कटिंग से रेडी किया। देखिए ये जो मेरी विंडो है वहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस खाली थी तो मैंने सारे जो है कप और मग प्लांटर को मैंने इस पर जो है रख दिया है। और आप देख सकते हो इसमें भी जो है सारे प्लांट जो मैंने लगाए काफ़ी हार्डी काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट। देखिए इसमें भी कोई जगह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, विंडो में भी अगर आपके यहाँ स्पेस हो वहाँ पे भी आप इस तरह से प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। विंडो के दूसरी साइड में जो है मैंने पर्पल हार्ट का तीन लेयर का जो है बॉटल प्लांटर बनाया था, उसमें जो है मैंने देखिए पर्पल हार्ट लगा दिया था, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, देखने नहीं पड़ता। और नेक्स्ट जो यहाँ आप देख रहे हो ये ऑयल कैन प्लांटर है 5 लीटर वाले, तो इन्हें जो है मैंने उल्टा करके इस तरह से कट कर दिया, देखिए रस्सी से मैंने बांध के और देखिए इस साइड से भी ऐसे मैंने रस्सी को बांध दिया था और इधर साइड से भी, और इनको जो है मैंने इस तरह से हैंग कर दिया है। और ये जो है इसमें मैंने ज़्यादातर जो है पत्तियाँ मैंने भरी है जो सूखी पत्तियाँ होती गार्डन की, और मिट्टी बहुत ही कम मैंने इसमें भरी है ताकि जो ये प्लांटर है लाइट वेट रहे और जो है भार सहन कर सके। तो देखिए यहाँ पूरा जंगल ही बन गया है। ये जो मैंने प्लांट्स लगाए ये सिंगोनियम एरोहेड काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पर भी देखिए प्लाई का मैंने इस तरह से ये स्टैंड बनवा लिया था, हमारे यहाँ फर्नीचर का काम हुआ था तो ये प्लाई बच गए थे और उसी के नीचे जो है मैंने ये इस तरह से कोकोडेमा को भी मैंने हैंग कर दिया था। देखिए इसमें भी बिल्कुल भी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये जो थे ये प्लांटर नहीं थे फिर भी जो है मैंने इनमें प्लांट्स ग्रो कर दिए थे। तो इस तरह से भी हम जो है प्लांट्स लगा सकते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं वॉल के इस तरफ आप देख सकते हो कितने बढ़िया। और देखिए जगह बिल्कुल भी नहीं हमें नीचे में तो बिल्कुल भी मैंने नहीं लगाए, सब भी जो है मैंने वॉल पर ही हैंग करे हैं, कितने बढ़िया। और ये भी जो है ये प्लांटर नहीं थे पर इन्हें जो है मैंने प्लांटर की तरह यूज़ करके इसमें जो है मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं, इसका भी जो है वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। और इन्हें जो देखिए ये हमारा जो है मेन एंट्रेंस जो है डोर है उसके साइड में ही जो है मैंने इनको लगा दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और इसमें भी जो है मैंने जगह नीचे बिल्कुल भी नहीं थी तो मैंने ऊपर में उनको हैंग कर दिया। और दरवाजे के इस साइड में देखिए ये जो डोर बेल है उसके नीचे में जो है मैंने जो ये लकड़ियों के टुकड़े बच गए थे तो उनको मैंने जो डायमंड शेप देखे इस तरह से उसमें जो है खीले जो है ठुकवा दिए थे, देखिए इस तरह से जो खीला है उसी के ऊपर जो है मैंने इसको हैंग कर दिया है। और ये आप देख सकते हो ये लाइजोल की बॉटल है, उनको मैंने देखिए इस तरह से खीले में हैंग कर दिया था, इसमें बेबी टियर है बेबी सनरोज है और स्वीट पोटैटो वाइन को लगा दिया था, उसी के ऊपर बेल डोर के ऊपर आप देख सकते हो ये इस तरह से मैंने ये
जो ये पर्पल टर्टल वाइन है उनको मैंने लगा दिया था छोटे छोटे पॉट में, आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक जो है बड़ा सा हमारा जो विंडो है, देखिए इस तरह से यहाँ से खिले ठुकवा के, तो यहाँ पर इस तरह से बॉटल जो प्लांटर है, जैसे इसमें मनी प्लांट लगा दिए थे, इसमें जो है पर्पल हार्ट आप देख सकते हो, ये 2 लीटर की बॉटल है, तो इनको जो है इस तरह से मैंने हैंग कर दिया। आप देख सकते हो ये कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और ये देखिए इस तरह से ये मिट्टी भी गिरती जब हम पानी डालते हैं, तो कोई नहीं फ्रेंड्स, अगर हम पानी ऐसे पानी दीवार पे डाल देते तो वो मिट्टी पूरी बह जाती है, तो हमारी दीवारें भी जो है साफ़ रहती है। अगर हम सोचते हैं कि दीवारों पर हम हैंग करते तो पानी डालेंगे तो मिट्टी उड़ेंगी, हमारी दीवारें ख़राब हो जाएंगी, पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ये वीडियो शेयर कर, दीवारें देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वॉल पर कुछ भी मिट्टी नहीं लगी है। और हम हल्के से पाइप से वॉल को भी हम ऐसे गीला कर देते तो मिट्टी जो है पूरी तरह से बह जाती है। और देखिए इस तरह से, देखिए इस साइड में भी जो है मैंने ये 3 वाला प्लांटर मैंने हैंग कर दिया था, और नीचे में भी देखिए इस तरह से ये प्लाई को लगा के इसके ऊपर ये मनी प्लांट, और इधर साइड में जो है ये आप देख सकते हो इसकी हाइट देखिए कितने तक नीचे तक चली गई है। और ये जो सारे प्लांट्स आप देख रहे हो ये इंडोर प्लांट्स हैं, इनको जो है कम धूप की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे वॉल पे जो है बहुत कम धूप आती है, तो देखिए कितने बढ़िया से चल रहे हैं। और आप सारे प्लांट्स आप देख रहे होंगे कितने हेल्दी है, कितने बढ़िया है, तो इनमें जो है मैं घर का जो बना किचन वेस्ट कंपोस्ट है उसी में जो है मैं इनको लगाती हूँ, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। और ये जो हैंगिंग प्लांटर्स फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसके लिए भी मेरे पास जगह नहीं थी हैंग करने के लिए, तो इस तरह के जो एंगल आता है ये लोहे का इस रॉड, इसे एंगल बोलते हैं, तो इसे जो है मैंने जो है ख़रीदा, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वेट वो सहन कर लेता है, ये जल्दी जो है टूटता भी नहीं है। और इस तरह से जो बीम करके आते हैं खीले, उसको अंदर जैसे ठुकवा के उसके ऊपर जो है ये रॉड लगा दिया था, तो ये जो रॉड की जो हाइट है ये 5 फीट है, तो ये 5 फीट के उससे ज़्यादा है थोड़ा, ये देखिए, तो इनमें सारे जो मैं जितने भी मेरे हैंगिंग प्लांटर्स थे सभी को जो है मैंने इस तरह से हैंग कर दिया, क्योंकि इन्हें हैंग करने के लिए मेरे पास में और कोई जगह भी नहीं थी। और ये सारे जो हैंगिंग प्लांट्स हैं ये इंडोर है और इन्हें जो है कम धूप की ज़रूरत होती है, तो यहाँ ये वाला जो मतलब जगह थी परफेक्ट थी। और ये देखिए इस साइड में भी ये छोटा सा जैसे ये सज्जा था, तो उसमें भी जो है देखिए इस तरह के एंगल को तार से जो है बांध दिया था, उसके ऊपर जो है इस तरह से ये हैंगिंग प्लांट्स मैंने लगा दिए थे, तो इन यहाँ पर भी जो है बहुत कम धूप आती है 1 से 2 घंटे की, तो देखिए इस तरह से इनको जो है तार से हैंग करके, तो अगर हमारे पास में स्पेस नहीं हो तो इस तरह से भी हम जुगाड़ करके जो है हम जो है अपना गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। जो आप देख रहे हो ये बड़ा सा पेड़ है, उसमें भी जो है मैंने ये इस तरह से जो है झूला बना लिया था छोटी छोटी मटकियों का, तो उन पे जो है मैंने इसे हैंग कर दिया था। देखिए इसे भी जो है हैंग करने के लिए मेरे पास में स्पेस नहीं थी, तो मैंने जो है इस बड़े जो पेड़ था उसी पे जो है मैंने इनको हैंग कर दिया, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट जो मैंने ये जो कोकोनट प्लांटर बनाए थे, तो उनको भी जो है मैंने इस तरह का जो पेड़ है उसमें ये सारे जो है मैंने प्लांटर्स को मैंने हैंग कर दिया था। ये बलून फ्लावर है, इसके जो है फ्लावर्स मैंने अभी कट कर दिए थे, सारे मुरझा गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो है मैंने प्लास्टिक का पाइप और देखिए तार से मैंने इसको ऐसे बांध दिया है, और सब में जो है इनको मैंने हैंग कर दिया था। देखिए इस तरह के, देखिए ये जो टहनी है उसमें मैंने इसको इस तरह से लटका दिया है, तो इस तरह से हम पेड़ का भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को हैंग करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने वर्टिकल हैंगिंग प्लांटर बनाया था, तो ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये भी जो है कम स्पेस में जो है हमारे काफ़ी सारे जो है ये इसमें 6 हमारे हैंगिंग प्लांट जो है इसमें लग जाते हैं, और इसे भी जो है कम स्पेस की ज़रूरत होती है, वर्टिकली हम अगर हम रख देते हैं, अगर नीचे भी थोड़ी सी भी हमारे पास में स्पेस है तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, तो हम इस तरह के भी जो है हम मतलब ये प्लांटर्स लगा सकते हैं, इसमें भी कम स्पेस लगती है। और देखिए ये जो आप देख रहे हो ये रॉड, ये एंगल बोलते हैं, ये एंगल से बना हुआ है और ये काफ़ी सस्ते में भी बन जाता है, अगर आपके आसपास में कोई जैसे हो वेल्डिंग वाले उनसे आप बनवा सकते हो, ये 600-700 के अंदर ही जो है ये बन जाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इस पर ब्रिक भी रख दिए थे, काफ़ी अभी बारिश का सीज़न है, आंधी तूफान से ये हिले ना, इसलिए भी मैंने इसे लगा दिया था। देख सकते हो आप कितने बढ़िया जो है इसमें प्लांटर चल रहे, क्योंकि आउटडोर जो हैंगिंग प्लांट्स हैं उनको लगाने के लिए मेरे पास में स्पेस नहीं थी, तो इनको जो है मैंने बनवा लिया। अगर हमारे पास में नीचे में थोड़ी सी भी अगर जगह खाली हो तो इस तरह के भी जो है हम आइडियाज़ वर्टिकल हैंगिंग प्लांटर बना के इस तरह से भी जो है हम प्लांट्स लगा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कम जगह में भी, अगर जगह नहीं भी हो तो भी हम कितना सुंदर जो है ब्यूटीफुल गार्डन हम बना सकते हैं घर पर ही, वो भी बिल्कुल फ्री में। बहुत ज़्यादा भी जो है हमें उसमें कॉस्ट की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।